चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्पाइस जेट एयरलाइंस के अजय सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। और इस काफ़ी मुश्किल समय में आपको इनफैक्ट कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी फ़्लाइट्स ने भी काफ़ी मदद करी है हमारी। आपने कार्गोज फ्लाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल 400 फ्लाइट्स कैरी चली हैं, जिसने 4000 टन कार्गो फ्लाई किया है, और पैसेंजर्स को भी आपने सही पहुँचाया जो स्टैंडर्ड थे, तो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और स्वागत है इंडिया न्यूज़ में आने का अजय जी, धन्यवाद। अजय जी, एक चीज़ पूछनी थी कि अभी थोड़े अफवाह चल रही है कि फ़्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएंगी, क्या आपको कोई डेट मिली है कि कब तक रिज्यूम करेंगे ऑपरेशंस? 3 मई को या 30 मई को, कुछ ऐसे कुछ आपको पता है कुछ ऐसे? प्रिया जी, अभी तो कोई तिथि हमें मिली नहीं है सरकार से, और मुझे तो लगता है कि सरकार को भी अभी पूरी तरह से पता नहीं है कि कब से फ्लाइट शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, मुझे तो लगता है कि सरकार देखेगी कि इन्फेक्शन और कितना बढ़ा, कितना कंट्रोल में आया, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये फ्लाइट्स कब चलेंगी। फ्लाइट्स को चलाने में और भी कई चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और इस पे ये है कि हम एक ये सेफली कैसे फ्लाई कर सकते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रिकॉशंस हैं जो एयरलाइंस को लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो पैसेंजर्स को लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो एयरपोर्ट्स को लेने हैं। सरकार इसके बारे में सोचेगी, और ऐसा ना हो कि एविएशन से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़े, ये ना हम चाहेंगे ना सरकार चाहेगी। तो हम वेट करेंगे कि जब सरकार हमें बताएगी कि भाई ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं और इस प्रकार से आपको फ्लाइट शुरू करनी है, तब तक हम वेट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 4 मई की जो डेट है, ये थोड़ी सी प्रीमेच्योर लग रही है, क्योंकि कई सारे चेंजेस करने होंगे एयरपोर्ट पे भी, हमारे प्रोसेसेस में भी, कस्टमर्स को भी, तो इसमें हो सकता है कि कुछ दिन और 4 मई के बाद और लगे। लेकिन क्योंकि सरकार ने कोविड वायरस पे इतना अच्छा काम किया है अभी तक, हम हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा कि हम उनको सेकेंड गेस करें, जैसे सरकार हमें बोलेगी उस प्रकार से हम करेंगे। एक ये भी सुझाव आया है कि ये जब फ्लाई करेंगे तो बीच वाली सीट को खाली रखेंगे, तो फिर वो आपके लिए कमर्शियली कितना वायबल होगा, मतलब उससे तो आपका कॉस्ट और भी ऊपर जाएगा, ये आपको भी कुछ ऐसे सुझाव आए हैं? देखिए, कमर्शियली तो खैर वायबल नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि ये कितना इफेक्टिव होगा, ये हमें सोचना चाहिए जी। और अगर आप देखें तो जो विंडो सीट होती है और आइल सीट होती है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 2 फुट का होता है जी, और तो 2 फुट तो वैसे ही काफी जगह नहीं है। आप 6 फुट हम समझते हैं कि एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है जो दो पैसेंजर्स को रखना चाहिए, तो वो तो हवाई जहाज में हो नहीं सकता। अगर आप देखें फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में अगर किसी ने लीन किया तो वो तो 1 फुट के का डिस्टेंस भी नहीं रह जाता। अगर आप दोनों आइल सीट्स को देखें, जो आइल के दोनों तरफ सीट्स होती हैं, तो उसमें भी 1.5 फुट के करीब का फासला है। तो अगर आपको फ्लाइंग शुरू करनी है तो मिडिल सीट को आपको खाली छोड़ के कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। एक साइकोलॉजिकल लाभ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाभ उसमें कोई भी नहीं होने वाला। तो फेस मास्क ज्यादा इफेक्टिव होंगे, या फेस मास्क और ग्लव्स पहनना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये सब हमें सोचना होगा। हम ऐसे कदम उठाएं जिससे वायरस कम फैले, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल या अपने अपने दिल को बहलाने वाली बातें ना करें, ये हमारा सुझाव। सही है, लेकिन फिर हम किस तरह के फिर मेजर्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाइंग को भी काफ़ी देर से ग्राउंडेड नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ भी नॉर्मल आएगी। मेरे ख्याल एयरलाइंस सबसे लास्ट होंगी जिनको फिर रिज्यूम करेगा, लेकिन मेजर्स अभी से लेने चाहिए। तो आपने कोई सुझाव दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आपने सैनिटाइजर्स, फेस मास्क के बारे में बोला, और कुछ क्या? एयरपोर्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर बदलना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा हो जी। इसमें जो हमें ये देखना है कि जब एक कोई पैसेंजर एयरपोर्ट पे आता है और जब वो एयरपोर्ट को छोड़ता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, तो उस दौरान कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इन्फेक्शन होने का कोई चांस है। तो चेक इन का प्रोसेस है उसको फिर से एक बार देखना चाहिए, जो बैगेज का प्रोसेस है उसको एक बार फिर से हमें देखना चाहिए, सिक्योरिटी के प्रोसेस को एक बार देखना चाहिए। जितना कम हम कॉन्टैक्ट कर सकें उतना हमें करना चाहिए। जब वो बस में जाए तो वो क्या करे, जब वो प्लेन में बैठा हो तो क्या हो, क्रू किस तरह से बिहेव करे, तो कई सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं
फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देखें चेक इन का जो प्रोसेस है, इसको हम अगर ऑटोमेट करें, हम ऑलरेडी ई चेक इन हम कराते हैं, एयरलाइंस कराती हैं, तो उसको अगर हम पूरा ई चेक इन करें या हम बैगेज के प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करें, जिसमें इंटरेक्शन लोगों का कम हो, लाइनों में खड़ा होना कम हो, चीज़ों से फिजिकली टच करना उनका कम हो, तो उससे कुछ सचमुच कुछ फ़ायदा हो सकता है। और हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि एविएशन के वजह से कोई इन्फेक्शन फैले, तो जो भी हम कदम उठा सकेंगे हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स इसमें हमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों से ही जो भी सुझाव मिलेंगे उनका हम पूरा पालन करेंगे। और आपको आशा भी है कि गवर्नमेंट भी आपको थोड़ी मदद करे, क्योंकि पहले ही एयरलाइंस काफ़ी पूरी इकोनॉमी डाउन थी, एयरलाइंस की क्या बात कर रही हूँ, तो आप चाहते हैं कि क्योंकि आपके कॉस्ट तो बढ़ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन आपके प्लेन्स हैं उनकी पार्किंग फ़ीस होती है, बाकी भी आपके जो फिक्स कॉस्ट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी कोई आशा है कि गवर्नमेंट भी कुछ मदद करे? बाकी देशों में तो कुछ ऐसे हो रहा है, हैंड आउट, गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग इन, स्टेपिंग इन। देखिए बाकी देशों में हो रहा है, ये बात आपकी सही है। एक एविएशन को एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की तरह देखा जा रहा है और कई सरकार दुनिया भर में अपनी एयरलाइंस की मदद कर रही है। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ मदद हम ज़रूर, हमारी अपेक्षा है कि सरकार हमें करेगी। कुछ हमारे फिक्स कॉस्ट्स हैं, जैसे पार्किंग फीस आपने कहा, और लीज रेंटल्स हैं हमारे हवाई जहाज़ों पे, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जिसपे हमें अगर कुछ मदद मिल सके जैसे बाकी देशों में भी मिल रही है तो वो अच्छा होगा। दूसरा एक हमें लगता है कि ये एक अवसर है जिसपे हम अपना जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं, कि हम हमेशा कहते हैं कि भारत में रिफॉर्म तभी होता है जब एक कोई क्राइसिस होता है, तो इस क्राइसिस में भी हम जो बड़ी बड़ी हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो बहुत वर्षों से पेंडिंग हैं, उनको हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कई वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि ATF को आपको GST में लाना चाहिए, तो इस समय एक उपयुक्त समय रहेगा कि वो ATF को हम GST में लाएं। पूरा ये एयरपोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें एयरपोर्ट्स का ऑप्शन किया जाता है हाईएस्ट बिडर को, उसकी वजह से एयरपोर्ट ऑपरेटर जो होता है फिर वो अपनी सर्विसेज को बिड करता है हाईएस्ट बिडर को, और फिर वो सर्विस प्रोवाइडर पैसेंजर्स से और एयरलाइन से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक बार फिर से हमें रीइवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पर हम ये चाहेंगे कि भारत में जो एविएशन है एक विश्व भर में एक लीडर हम रहें एविएशन में, और अपने हब अपने हैं ग्लोबल हब्स यहीं पर बनाएं। हम आज अपने सारे पैसेंजर्स को यूरोप और अमेरिका गल्फ के थ्रू भेजते हैं या फारिस के थ्रू भेजते हैं, वो हम डायरेक्टली अपने यहाँ इंटरनेशनल हब्स बनाएं और अपनी इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाएं। तो ये सब करने के लिए हमें ग्लोबली कम्पिटिटिव भी रहना होगा, और जिस प्रकार के खर्चे और जिस प्रकार का कॉस्ट स्ट्रक्चर इंटरनेशनल एयरलाइंस का है वो हमारा भी होना चाहिए, और हमारे कई सारे एडवांटेजेस हैं, हमारी स्किल्ड लेबर है यहाँ पर, हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट है जो इतना बड़ा है, तो इसका हमें एडवांटेज उठाना चाहिए। तो ये एक अच्छा, मैं तो कहूँगा एक बहुत अच्छा अवसर है भारत के पास रिफॉर्म का। और अजय जी, एक और चिंता काफ़ी लोगों के, जब मार्केट खुलेगी तो जैसे कि अभी तक टिकट के प्राइसेस काफ़ी थोड़े अफोर्डेबल होते थे, लेकिन बिल्कुल ही प्राइसेस ऊपर जहाँ चले जाएं, इसका भी काफ़ी लोगों को डर है। देखिए ये तो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। हमें तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिन तो डिमांड थोड़ी डैम्प रहेगी, और जब डिमांड कम होती है तो जो किराया है वो भी सस्ता होता है। लेकिन आप अगर हवाई जहाज़ के किराए देखें तो 20 वर्ष से किराए बढ़े नहीं हैं। जो जब हम स्कूल में थे और हम दिल्ली से बंगलोर जाते थे तो एवरेज हम 10,000 रुपये देते थे, 8 से 10,000 रुपये फेयर देते थे। आज हम बेंगलोर जाने के एवरेज फेयर 4,000, 4.5 हज़ार रुपये देते हैं। तो 20 वर्षों में मैंने तो फेयर्स को कम होते देखा है, बढ़ते तो देखा ही नहीं है। तो हमें तो ये देखना होगा कि हमारी इंडस्ट्री भी एक वायबल रहे, ऐसा ना हो कि एविएशन इतनी अनवायबल हो जाए कि एविएशन बंद ही हो जाए या कैपेसिटी बहुत कम हो जाए। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि RCS में ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसको हम उड़ान कहते हैं, उसमें वो कितनी सफल रही है, 45 नए शहरों को जोड़ा गया है पिछले 2 वर्षों में उड़ान के थ्रू। तो
इस प्रकार से हमें अपने पूरे देश को जोड़ना है और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, इकोनॉमीज भी इम्प्रूव होंगी और सबके जीवन में सुख भी आएगा। तो हमें अपने स्ट्रक्चर्स को ऐसा वायबल बना के रखना है जिससे ऐसा ना हो कि एयरलाइंस को बहुत ज्यादा एक्सट्रॉशनेट फेयर चार्ज कर सकें, लेकिन इतना हो कि सेक्टर हमारा पूरा वायबल रहे, सारे उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एमआरओज हैं, एयरलाइंस हैं, वो सब के सब वायबल रहे। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो फेयर्स हैं वो एक रीजनेबल लेवल पे रहें, बहुत कम भी ना। फायदा हो जी। थैंक यू अजय सिंह जी हमसे बातचीत करने का।